बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जो उपचुनाव को टालने की बात हुई है, कोरोना के जो संकट काल पूरा चल रहा है, कांग्रेस की ये मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द उपचुनावों को किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप था कि भाजपा को जितना ज्यादा समय मिल रहा है वो उतने ज्यादा खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और जो बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं विधायक हैं उन पे नजर बनाए हुए हैं। पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि कांग्रेस के दो विधायक और भाजपा में जाकर शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोरोना का जो संकट काल है इसमें विधानसभा और लोकसभा के जो उपचुनाव होने वो कराना ठीक नहीं है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हम लगातार कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये चुनावों में नहीं जाना चाहती। आज की स्थिति में जो उपचुनाव होना है उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कराया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतने की स्थिति में नहीं है, इसको लेकर के चिंतित थी और लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी तरीके से चुनावों को टाला जा सके, और मुझे लगता है वो सफल हुई है। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, हजारों लोगों को इकट्ठा करके, चाहे कैबिनेट में भी देखिए आप, कोरोना पॉजिटिव कैबिनेट के मंत्री निकल रहे हैं, इसके बाद भी कहीं कोई टेस्टिंग, कहीं कोई कैबिनेट को दूर रखने की बात नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव कराए जा सकते हैं, मत पत्र के द्वारा चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग को अपने फैसले पर ध्यान देना होगा और पुनर्विचार करना चाहिए। सर, तो कांग्रेस की क्या पूरी तैयारी हो चुकी थी इसलिए आप लोगों को ये अखर रहा है कि जो चुनाव आयोग का भी फैसला आया है कि चुनाव नहीं हो पाएंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस उसी दिन, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग बिक करके गए थे, हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, उस दिन से ही कांग्रेस लगातार चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। और खास बात यह है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्र की जनता हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भी समझ में आ रहा था और हमने जो सर्वे कराया था उसमें भी साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनसे जाने लूज करेगी। जी वासु, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में उनसे भी आप ये समझने की कोशिश करें और उनसे भी जरा जाने कि क्या ये सही होगा इस वक्त चुनाव कराना, क्योंकि इतनी भीड़ जुटेगी और अगर हम मध्य प्रदेश के हालात देखें तो बिगड़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से वो ये मान रहे हैं, क्या इस विषय पे राजनीति करना आखिर कितना ठीक है? कोरोना का संकट है, संक्रमण है, वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस समय चुनाव कराना ठीक रहता? चुनाव आयोग, देखिए मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को आपत्ति लेना थी तो मुख्यमंत्री जी की रैलियों में ले सकते थे। लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं, उनको लगातार कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया